हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज डॉक्टर कविता चौहान फ्रॉम प्रेरणा कोचिंग एकेडमी. चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले 5-6 सालों के सीबीएसई के एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पेपर से लिए हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है. आज जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं. चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. हालांकि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस अब मर्ज हो गया है और वो चैप्टर बन गया है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, लेकिन आज मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले कंटेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और मैंने चैप्टर 4 जो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस है उस चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं. यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी. ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, 2015 ऑनवर्ड ये क्वेश्चन आने शुरू हुए थे बोर्ड एग्जाम में. सो लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चंस. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. लेट स्टार्ट विथ टूडेज क्लास. इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन. दीज आर लॉन्ग क्वेश्चन फॉर क्लास 12. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया. 2017 में ये क्वेश्चन आया था. बुक में बहुत ही क्लियरली इसका आंसर दिया हुआ है. मैं आपको पॉइंट रीड कर देती हूँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका पेज है जहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है और उसके नीचे हैदराबाद लिखा हुआ है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें से आप पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो. मैं एक बार रीड कर रही हूँ. हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी. इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. द निजाम वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. He entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. In the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force. The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. The communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as the Rajakars on the people. The atrocities and communal natures of the Rajakars knew no bounds. The central government had to order the army to tackle the situation. In September 1948, Indian army moved into the control of the Nizam's forces, and after a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad's accession to India. So, क्या हुआ था कि हैदराबाद जो थी वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी. हैदराबाद के जो रूलर था he was called a Nizam and he wanted an independent status for हैदराबाद. लेकिन वहां पे जो लोग थे उन्होंने निजाम के रूल के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दी थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑपरेशन फेस किया था अंडर निजाम्स रूल. और ये जो मूवमेंट थी इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद हैदराबाद जो था वो इंडियन यूनियन की एक स्टेट बन गया. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 6 पॉइंट्स है, सीधा आंसर बुक में दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. अगेन अ 6 मार्क क्वेश्चन. इसमें आपको बताना है कि जो पार्टीशन था, पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिया का, तो ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था इसके पॉइंट्स आप यहां से लोगे. ये है आपका पेज जहां पे साइड में एक कार्टून भी दिया हुआ है. यहाँ पे हेडिंग ही दी हुई है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की. इट वॉज डिसाइडेड दैट व्हाट वॉज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. सच अ डिविजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज. दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. यहाँ पे ये पूरा बताया गया है कि जब मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी थी अकॉर्डिंग टू विच इंडिया कम्प्राइज्ड ऑफ नॉट वन बट टू टेरिटरीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके बाद से ये एक्सेप्ट कर लिया गया प्रिंसिपल और इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी. कहने का मतलब था कि जिस रीजन में जिस रिलीजन की मेजोरिटी होगी वो उस कंट्री की टेरिटरी माना जाएगा. तो इस तरीके से यहां से आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई थी जब इस जो ये टू नेशन थ्योरी का प्रिंसिपल था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था.
तो वो आप दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। ये वाला जो आपका पेज है जिसपे ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ हेडिंग दी हुई है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, 6 पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हो और इसका आंसर बना सकते हो। मैं कुछ मेन पॉइंट आपके लिए रीड कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। ये जो 1947 का साल था ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो एक ऐसा साल रहा जो अनप्लैंड रहा, किसी जो ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, मतलब उस तरफ के लोग जो इधर आए थे और जो इधर के लोग उधर गए थे, ये बहुत ही अनप्लैंड वे में हुआ। देर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड्स में बॉर्डर के बहुत ज्यादा लोगों के साथ शोषण किया गया और उनको किल किया गया। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी, धर्म के नाम पे एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारा। सिटीज लाइक लाहौर अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, ये जो शहर थे ये कम्युनल जोन्स बन गए, जिसका मतलब था कि मुस्लिम जो थे उन्होंने अवॉइड किया कि वो उन एरियाज में ना जाए जहां पे हिंदूज या सिख्स थे ज्यादा नंबर में। सिमिलरली हिंदुओं और सिखों ने भी उन एरियाज में जाना अवॉइड किया जहां पे मुस्लिम्स की प्रीडोमिनेंस थी। उसके बाद आप यहां से पॉइंट ले सकते हो जो वेमेन से रिलेटेड है। थाउजेंड्स ऑफ वेमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अबडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। औरतों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे शोषण हुआ था, उनको एबडॉप्ट कर लिया गया था और जो भी उनका एबडॉक्टर था उसने उनको जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया। इन मेनी केसेस वेमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, बहुत सारे ऐसे भी केसेस रहे जिनमें खुद परिवार के लोगों ने ही अपनी औरतों को मारा फैमिली ऑनर के नाम पे, की परिवार की इज्जत के नाम पे। मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, those who did manage to cross the border found that they had no home. For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. बहुत सारे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए और बहुत सारे लोग जो वहां से यहाँ आए उनकी जो लाइफ थी वो आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द लाइफ दे हैड टू लिव इन द रिफ्यूजी कैंप्स। सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नेक्स्ट इज, हाउ डिड मेथड्स ऑफ वोटिंग इन फ्री इंडिया गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टिल डेट। जो आपका चैप्टर था पहले के सिलेबस के हिसाब से एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्लियरली इसका आंसर दिया हुआ है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग ही लिखी हुई है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। सो चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग 2017 का क्वेश्चन है। सो अब शुरू से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जो अब प्रेजेंटली हम वोटिंग मेथड यूज करते हैं उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। अगर हम शुरू से देखें, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस इन साइड ईच पोलिंग बूथ अ बॉक्स फॉर ईच कैंडिडेट विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट कैंडिडेट। उस वक्त बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी तो जो पोलिंग बूथ थे उनमें बॉक्सेस रखे गए और बॉक्स के ऊपर सिंबल बनाया गया उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का, ताकि लोग सिंबल से आइडेंटिफाई करके उसके लिए वोट डालें। ईच वोटर वॉज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे हैड टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट फॉर, मतलब वोट फॉर। उनको एक पेपर दिया गया, ब्लैंक पेपर था, और उन्हें बोला गया कि जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट करना चाहते हैं उसके बॉक्स में डालें। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, फर्स्ट इलेक्शन इस तरीके से कराया गया। उसके बाद आप ये कह सकते हो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शन दिस मेथड वॉज चेंज, दो इलेक्शन के बाद ये मेथड चेंज हो गया। यहाँ पे पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं। नाउ द बैलेट पेपर कैरिड द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एंड द वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वॉन्टेड टू वोट फॉर। दो इलेक्शन के बाद ये मेथड चेंज हुआ। अब एक बैलेट पेपर दिया गया जिसमें पार्टी के या कैंडिडेट्स के नेम्स और सिंबल्स बने हुए थे और वोटर को उसके सामने एक स्टैंप लगानी थी जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे वोट करना। दिस मेथड वर्क फॉर नियरली 40 years, 40 साल तक ये मेथड चला। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग द ईवीएम
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू हो गई 1990s के एंड होते होते। बाय 2004 द एंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द AEVM और पूरी कंट्री 2004 होते होते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होनी शुरू हो गई इलेक्शंस में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। 2020 का क्वेश्चन है, तो कौन से चैलेंजेस फेस किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। इसका आंसर भी बिल्कुल इसी के ऑपोजिट पेज पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ भी देती हूँ। द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। इंडिया का जो साइज था उस अभी भी है, इंडिया के जो साइज था उसके हिसाब से बहुत मुश्किल था यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, क्योंकि होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि किस पर्टिकुलर टेरिटरी से कौन कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ेगा, उसके लिए ज्योग्राफिकली पूरी कंट्री को डिवाइड करना था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स और द लिस्ट ऑफ द ऑल सिटीजन एलिजिबल टू वोट। सारे एलिजिबल वोटर्स की एक लिस्ट भी बननी थी। बोथ दीज टास्क टुक ए लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम थे। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल वॉज पब्लिश्ड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। मतलब जब पहली वोटिंग लिस्ट बनी तो ये पता चला कि 40 लाख औरतों के तो नाम ही नहीं थे उस लिस्ट में, और जो एलिजिबल थी उनके नाम कैसे लिख दिए थे, मतलब उनके नाम नहीं लिखे थे, उनको कैसे इंक्लूड किया था, वाइफ ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो। तो ये तो बहुत ही मतलब किसी की आइडेंटिटी को ही आप एक रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए, एट दैट टाइम देर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और जो कंट्री का साइज था उसके साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम्स थी, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। इंडिया एक इलिटरेट कंट्री था उस वक्त और एक गरीब देश था, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इलेक्शन कंडक्ट करने में। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी गिव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। ये बोला गया है चैप्टर में कि कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त फॉर्म हुई हुई थी 1885 से और 1947 तक आते आते जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद जब कांग्रेस को देखा गया तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई जो एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन बोला गया। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन का यहाँ पे मतलब था कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लीडर्स थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ऐसे भी लीडर्स थे, ऐसे भी ग्रुप्स थे जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे, बट दे ऑल वर पार्ट ऑफ वन यूनिट। ये जो कांग्रेस का कैरेक्टर था इसने कांग्रेस को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। कैसे? कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस अकोमोडेटेड ऑल सोशल डाइवर्सिटीज एंड मेंटेन्ड अ बैलेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। ये जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था उससे ये फायदा हुआ कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे यहाँ पे पार्टी का हिस्सा, उनसे जो सोशल डाइवर्सिटीज थी उन सबको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हर ग्रुप के जो सोशल इश्यूज थे वो एक तरीके से यहाँ पे डिस्कस हो रहे थे और रिप्रेजेंट हो रहे थे। इवन अ प्रॉपर स्पेस फॉर द प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ ऑपोजिट पार्टीज वॉज ऑल्सो गिवेन। मतलब जो ऑपोजिशन ग्रुप्स थे वो भी इनफैक्ट कांग्रेस का ही पार्ट थे इस वक्त, और उनको भी पूरी की पूरी आप ये कह सकते हो पूरा स्पेस दिया गया कि वो अपनी बात को रख सकें। इन दिस वे कांग्रेस शोड ग्रेटर टॉलरेंस टूवर्ड्स इंटरनल डिफरेंसेस। और इस जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हुए भी इस वक्त कांग्रेस ने एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ शो की, टॉलरेंस शो की, सबके जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी या ओपिनियन थी उसको एक्सेप्ट किया। अलॉन्ग विद इट्स कोलिशन लाइक कैरेक्टर कांग्रेस डिड नॉट लेट द ग्रुप्स टू लीव द पार्टी टू बिकम एन ऑपोजिशन। और विद इन द कांग्रेस उनको इतना स्पेस दे दिया गया था कि उन्होंने पार्टीज नहीं छोड़ी और अलग ऑपोजिशन पार्टी नहीं बनाई, मतलब कांग्रेस को नहीं छोड़ा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्टिंग्विश्ड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब किसी भी पोलिटिकल सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डोमिनेट करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इन मोस्ट केसेस अलाउड भी नहीं होता है फ्रीली इलेक्शन कंटेस्ट करना। तो यहाँ पे बोला गया कि जो दूसरी कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस थी और जो इंडिया में
ये जो पूरा का पूरा इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट फोर जनरल इलेक्शंस तक का टाइम पीरियड था, उसमें बोला गया था कि कांग्रेस ने डोमिनेट किया था इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम को या इलेक्शन के पॉलिटिकल सिस्टम को। तो लेकिन ये अलग था, दूसरी कंट्रीज में जो वन पार्टी डोमिनेंस सामने आई थी उससे इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस अलग कैसे था, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। इसका आंसर भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो ये जो पीआरआई के बारे में लिखा हुआ है और ये एक फिगर बनी हुई है, यहां पे बहुत क्लियरली आंसर की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, व्हाट डिस्टिंग्विश द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम ऑल द अबव केसेस, जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस थी। सो व्हाट डिस्टिंग्विश इंडिया फ्रॉम दिस वॉज इट हैपन्ड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। इंडिया में जो कांग्रेस मेजोरिटी के साथ जीतती आई थी वो लेकिन डेमोक्रेटिक कंडीशंस होते हुए जीती थी, मतलब किसी भी केस में इन्फ्लुएंस नहीं किया गया था किसी भी लेवल पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। मेनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दूसरा पॉइंट था कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी फ्रीली और फेयरली इलेक्शंस कंडक्ट कर पा रही थी या कंटेस्ट कर पा रही थी। एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, और उन पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन लड़ने के बाद भी कांग्रेस जो थी एक के बाद इलेक्शन एक जीतती जा रही थी। दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थेड। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक डोमिनेंट पार्टी थी, और सिमिलरली आप ये कह सकते हो इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था। नेक्स्ट, हाउ फार हैज इंडिया बीन सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी पीसफुली एंड अवॉइडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपका इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन का क्वेश्चन है कि किस तरीके से इंडिया सक्सेसफुल हुआ अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हुए पीसफुली, कि इंडिया किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में उस वक्त नहीं फंसा। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है, 2017 का क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई विल जस्ट रीड द आंसर फॉर यू। In 1947, India won independence and thereby qualified to participate as an actor in international politics and relations. 1947 में India independent हुआ और India international politics या international level पे India अब participate कर सकता था international political activities में. The first Prime Minister Pandit Nehru left a deep impact on the foreign policy of India. Pandit Nehru उस वक्त जो first Prime Minister थे और वो first foreign minister भी थे, उन्होंने शेप किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और बहुत ही गहरा असर उन्होंने यहाँ पे छोड़ा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, हेडेड बाय यूएसए एंड सोवियत यूनियन। तो दो ब्लॉक थे, बट इंडिया टेक्टफुली रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ एनी ग्रुप एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया ने किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और जो पॉलिसी फॉलो की उसे नाम दिया गया नॉन अलाइनमेंट का। इंडिया ऑलवेज साइडेड विद ट्रुथ, इंडिया ने हमेशा सच का सहारा लिया। इट मे बी अफगान क्राइसिस और स्वेज कनाल क्राइसिस, चाहे आप स्वेज कनाल इश्यू की बात करो चाहे अफगान क्राइसिस की बात करो, हमेशा इंडिया ने वही बोला जो उस वक्त उन कंडीशंस के हिसाब से सही था। इंडिया कोऑपरेटेड विद ऑल पीस लविंग नेशंस, और इसके साथ साथ इंडिया ने जो नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया था और नॉन अलाइन मूवमेंट जो शुरू हुई थी यहाँ पे, तो इंडिया ने सारे उन कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखे जो पीस लविंग नेशंस थे। सो ये एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ये यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया 2018-2019 में, ये क्वेश्चन आ गया है, हो सकता है 2021 में भी आ जाए, पढ़ लेना बहुत अच्छे से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी वॉज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा पीस ओरिएंटेड थी कि इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेगा वो सिर्फ पीसफुल पर्पजेज के लिए यूज करेगा। इट हैज क्लियरली रिफ्लेक्टेड द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, इंडिया ने उस वक्त ये भी रिफ्लेक्ट किया अपनी पॉलिसी में कि इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का फर्स्ट यूज नहीं करेगा। इंडिया अपोज द इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1995 एंड रिफ्यूज टू साइन सीटीपीटी। उस वक्त वर्ल्ड लेवल पे जो ये
हमारी सुपर पावर्स थी वो ये प्रेशर बना रही थी कंट्रीज के ऊपर कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करें, कि न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा ना दे। और एक और उन्होंने ट्रीटी यहाँ पे साइन करने के लिए बोला था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, लेकिन इंडिया ने उन दोनों ही ट्रीटीज को साइन करने से मना किया। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इंडिया ने 1998 में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड इट क्लियर दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड इन कंसोनेंस विद इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। तो हालांकि उस वक्त इंडिया ने ये बोला था कि इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा, लेकिन अभी ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये बहुत ही क्लियर किया है कि अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया ने उस वक्त बोली थी उसको इंडिया रिव्यू भी कर सकता है। तो ये जो चेंजिंग सिचुएशन हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनकी वजह से ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का आप ये कह सकते हो चेंज है। लास्ट क्वेश्चन है, थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्कस थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही क्लियरली जो हेडिंग दी हुई है नेहरू के रोल के बारे में, इसमें इस पैराग्राफ में थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव थ्रू दी स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है और इंडिया ने कौन सा रास्ता अपनाया था इस फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस इस साल के एग्जामिनेशन में भी आ जाए। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द क्लास।